गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप बहुत अच्छे होंगे इस टाइम और मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे। मैं इस वक्त, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैं आया हुआ हूँ कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर मैंने आपको ब्रीफ किया था कि कैसे कैसे मैं कहाँ कहाँ से गुजर के कौन कौन से एयरपोर्ट का ट्रांसिट और कैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैं ऑन बोर्ड हुआ और उसके बाद कैसे मैं कुआलालंपुर पहुंचा एयरपोर्ट पर। थोड़ा सा मैंने आपको बताया वहाँ के प्रोसेस के हवाले से भी। तो अभी मैं अपने होटल पे मौजूद हूँ, ये मेरे रूम का व्यू है और आप देख सकते हैं कि सिटी सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर ये बुकिट पिंताक का एरिया है जो कि बहुत बिजी एरिया है और इस वक्त बारिश लगी हुई है। मेरा मूड था कि मैं आज शाम बाहर जाऊंगा और बाहर जाकर थोड़ा सा घूमूंगा, बाहर फिरूंगा, देखूंगा कि शामें कैसी हैं कुआलालंपुर की और अपना व्लॉग भी शूट करूंगा। लेकिन चूंकि बारिश लगी हुई है और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है और इसलिए मैं अभी फौरी फौरी तो बाहर ही जा सकता, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ और फिर जैसी बारिश थमेगी तो मैं बाहर जरूर जाऊँगा। मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है और शॉपिंग करने के बाद मुझे डिनर भी करना है और डिनर यकीनन आप मेरे साथ होंगे। जी हाँ, बारिश थम गई है इस वक्त और ये जो मैं आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ ये वही ट्रैक है जहाँ से सुबह मैं खुद ट्रैवल करके आया था मोनोरेल के ज़रिए, और ये नीचे एरिया है मेरे होटल के बाहर का, और यहाँ से मुझे अब जहाँ का मैंने प्लान किया है वो इस साइड पर एक शॉपिंग मॉल है यहाँ कहीं इस बिल्डिंग के नीचे, उसका नाम है लोयात प्लाज़ा। और वहाँ पर खसूसियत उस प्लाज़ा की है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है मलेशिया की, और जितने भी टेक गैजेट्स हैं वो यहाँ से कहते हैं कि बहुत रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी फाउंड दैट प्लेस। जी, मैं नीचे आ गया हूँ और ये है हमारा रास्ता जहाँ से मुझे पैदल वॉक करना। आपको मैं एक और टिप यहाँ पर दे देता हूँ, वो ये कि जब भी आप जिस भी शहर में आप ट्रैवल कर रहे हो सबसे पहले वहाँ जाकर आप गूगल मैप्स को उनके जो ऑफलाइन मैप्स हैं वो मेन जगहों के वो डाउनलोड कर लें, ताकि अगर आपके पास सिम या डाटा नहीं भी है तो सिंपल अगर आपके पास वो ऑफलाइन मैप्स होंगे तो आप उनको नेविगेट कर सकते हैं। और मैं भी अभी इस वक्त ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे पास इस वक्त अभी तक मैंने सिम नहीं ली और मैं नहीं समझता कि मुझे सिम लेनी चाहिए, डाटा लेना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 दिन का मेरा यहाँ पर स्टे है। तो मैं रिलाई करूँगा अपने ऑफलाइन मैप्स के ऊपर, तो अभी भी मैं ऑफलाइन जो मैप है वही यूज़ कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं यहाँ की, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है जैसे मैं शायद सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स में घूम रहा हूँ। सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स का ये है थोड़ा सा कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो सिर्फ सिटी सेंटर के अंदर है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को का जो आउटस्कर्ट्स है जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर इस तरह की लंबी स्ट्रीट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स हैं, तो बहुत अच्छी लगती है वहाँ पर वॉक करना भी। तो अभी मुझे बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही है, मैं जैसे सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स में घूम रहा हूँ। देयर इज़ अनदर स्ट्रीट अगेन गोइंग अ लिटल अप हिल बट इट्स अ गुड वॉक। मेरा जब तक मानना यही है कि जब तक आप पैदल नहीं घूमते तब तक आप उस जगह को अच्छे तरीके से जान नहीं पाते और आपको अंदाज़ा नहीं होता वहाँ के कल्चर का। तो कल्चर को जानना है, लोगों से मिलना है, बात करनी है, तो पैदल चलें और देखें फिर आपको मज़ा आता है कि नहीं। मसाज सेंटर, मुझे ये स्ट्रीट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इस स्ट्रीट से गुजरते हैं, लेट्स सी यहाँ क्या बिक रहा है। इंटरेस्टिंग फूड स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और ये कोई चाइनीज़ टाउन है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको कि मैंने बहुत सारे मुल्कों का दौरा किया, बहुत सारे मुल्कों में घुमा फिरा हूँ। चाइनीज़ टाउन एक ऐसी जगह है जो हर जगह आपको मिल जाता है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको चाइनीज़ टाउन मिलेगा। ये भी चाइनीज़ टाउन ही लग रहा है मुझे। यहाँ पे देखें फूड स्ट्रीट है पूरी, और
सिर्फ चाइनीज खानों के हवाले से, चाइनीज सी फूड। टर्न लेफ्ट। साथ साथ मेरा नेविगेटर भी मुझे गाइड कर रहा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो इवनिंग इज जस्ट किकिंग ऑफ। लगता है मुझे आज रात में खाना यहीं पे आके खाना पड़ेगा। ये है प्लाजा जहाँ मुझे आना था और ठीक जगह पर पहुँच गया हूँ। एंड विद इन लाइक कपल ऑफ मिनट्स, बट इट डिडंट टेक टू मच टाइम। मैक स्टूडियोज, एप्पल स्टोर, रेस्टोरेंट है इसी में। Huawei स्टोर, Asus, सारे बड़े ब्रांड्स वहाँ पर मौजूद हैं। जब एक जगह पर एक छत के नीचे सारे ब्रांड मौजूद हैं तो आपको आसानी हो जाती है शॉपिंग करने के लिए। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मॉल है ये। एक बहुत अच्छी एक शॉप है जहाँ पर आपको हर किस्म की लेंसेज और रेंज है लेंसेज की, कैमरॉन से लेकर और लूमिक्स, ओलंपस और ये सारे। बहुत अच्छी एक दुकान है और प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल है। मैंने देखी इनकी प्राइसेस और वैरायटी भी काफ़ी है। और अगर आपने ड्रोन में इंटरेस्टेड है तो ड्रोन भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये चेक करें। मैविक प्रो, वंडरफुल डिवाइस, वंडरफुल गैजेट। तो रात का टाइम है इस वक्त और भूख में सौरों की लगी हुई है। मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग में मैंने जो कुछ लेना था वो आपको बताया था, वो एक गिम्बल लेना था मुझे और मार्केट बड़ी खास की है। अगर आप कभी आएँ इधर कुआला लंपुर, आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें परचेज करनी है तो जिस मार्केट से अभी हम होके आ रहे हैं इस मार्केट को ना भूलिएगा, दी बेस्ट। और प्राइसेस थोड़ा सा आपको घूमना फिरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, शॉप टू शॉप जाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे बड़े वेंडर के पास जाएं क्योंकि छोटे वेंडर बड़े वेंडर से चीज़ उठाकर 10, 20, 50 रिंगेट थोड़ा सा फ़ायदा रखते हैं और आप वो चीज़ थोड़ी सी महंगी देते हैं। और आप उसी बड़े वेंडर के पास चले जाएंगे तो बिल्कुल साथ में ही होगा, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा तो आपको वो चीज़ सस्ती मिल जाएगी। मुझे जो गिम्बल है वो बड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिला है और आई विल शो यू व्हेन आई एम बैक टू होटल। So we will open the gimbal together and it seems a good gadget for me. खाना मेरा आ गया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो मैंने फिश ऑर्डर की है, फ्राइड फिश है, साथ में सॉस है और मलेशियन स्टाइल, मलेशियन और आई थिंक चाइनीज स्टाइल। और ये मेरे पास चीज़ है, आप देख सकते हैं ये भी चाइनीज चिकन और समथिंग टाइप की चीज़ है। और चेक करते हैं कैसा है, इट लुक्स यम्मी। Perfect in its all of it. Very well marinated, very good taste, and something that I'm trying is new for me. So beautiful.
देख सकते हैं इसके जो रेशे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और मजे की बात की तो कांटे हैं वो इतने बारीक नहीं है, इसलिए मैं इसको चबा के खा भी सकता हूँ और इसको मैं चबाने के बाद मुझसे बाहर भी निकाल सकता हूँ। ये बहुत यमी है, बहुत जूसी, बहुत रीजनेबल, इसके अंदर स्पाइसेस हैं, इसके अंदर कुछ ये अरे नहीं किस चीज़ का बना हुआ, लेकिन सी फूड आप देख सकते हैं, प्रॉन्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर स्पेगेटीज हैं और सब इसके अंदर कुछ क्रंची सा भी कुछ ये है, तो मैं यहाँ से नीचे से नहीं कहा कि मिक्स करके खा रहा हूँ, और वेजिटेबल्स भी हैं और जायका, ये जो सॉसेज हैं ये सॉस है, ये सॉस ये बहुत तीखी है और बहुत मज़े की है, और ये सॉस इन्होंने सर्व किया है फ्राइड फिश के साथ, ये भी बहुत मज़े की है। खाना बहुत मज़े का था, और मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी कर दिया था क्योंकि मैंने सॉस दोबारा मंगवाई थी ये वाली, जो कि बहुत स्पाइसी सॉस है, लेकिन फिश के साथ और ये पता नहीं क्या चीज़ थी इसके साथ इसने बहुत मज़ा किया, देखिए मेरा दिल कितना बढ़ा। हर तरह का ड्रिंक भी मौजूद है यहाँ पर, लोकल भी और वलायती भी। ये फिश मैंने खाई है, इसका नाम है ग्रिल स्टिंग्रे फिश, और ये देख लें किंग साइज प्रॉन्स हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और भी तरह तरह की फिश है, बड़ा रिच मेन्यू है, लेकिन मैं आपको जरा समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए किड्साज भी हैं और ये टोटल वेजिटेरियन है, वो लोग जिनको सिर्फ वेजिटेरियन खाना होता है तो उनके लिए भी वैरायटी काफ़ी है। ये देखें वेजिटेरियन सूप्स, ये है जनाब यहाँ की बहुत मशहूर मलेशियन राइस कहते हैं इसको, इसका नाम है नासी गोरेंग, और इसको चाइनीज़ फ्राइड राइस करके बेच रहे हैं इसी तरीके से, क्योंकि हम चाइनीज़ स्टॉल में बैठे हैं इसलिए, तो इन्होंने इसको कस्टमाइज़ किया होगा डेफिनेटली, लेकिन लग बिल्कुल ऐसी रहा है जैसे नासी गोरेंग है। तो बहुत अच्छा मेन्यू है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पर आएँ। अभी देखिए एक ही बहुत बड़ी शॉप के अंदर छोटे स्टॉल्स हैं, और ये सारे स्टॉल्स डिफरेंट किस्म का खाना बेच रहे हैं, लेकिन ये एक ही छत के नीचे है, तो बहुत डिफरेंट स्टाइल। अभी आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर, यहाँ की कुआलालंपुर की चाइनीज़ आप ऐसे कह सकते हैं कि फूड स्ट्रीट है, और हर तरह का चाइनीज़ और मलेशियन खाना यहाँ पर दस्तयाब है। मुझे तो खाना खा के बहुत मज़ा आया, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था, और अब थोड़ा सा मुझे ज़्यादा देर तक जागना पड़ जाएगा, बट जब मैं आया था तो बहुत थका हुआ था, बहुत स्ट्रेस्ड आउट था क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन यहाँ आकर और थोड़ी सी वॉक करके और शॉपिंग करने के बाद काफ़ी फ्रेश हो गया। ये डेफिनेटली एक नया फूड होगा आपके लिए, इसे चाइनीज़ चेस्टनट्स कहते हैं, देखें ये भी बड़ा टेस्टी होता है, ये भी नट्स हैं डिफरेंट किस्म के नट्स। सी फूड की वैरायटी देखनी है तो ये देखें, ये सी फूड नॉर्मली हमारे पास उधर अवेलेबल होता है, लेकिन लोग खाते नहीं हैं, बट इट्स वेरी यमी एंड टेस्टी फ्रेश, यहाँ से ऑर्डर करें और बारबेक्यू करके देते हैं। आपको और भी दिखाता हूँ, ये देखिए तरह तरह का आपके पास ये पड़ा हुआ है, स्टार फिश, लॉबस्टर्स, किंग फ्रैश, टाइगर प्रॉन्स, स्क्विड्स,
It's amazing. Amazing place. It's a must recommended place.